सर्वप्रथम नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजन श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री परीक्षित महाराज जब भ्रमण करते करते देखा एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रहे थे। वो गैया थी पृथ्वी। वो इसलिए दुखी होकर के रो रही थी अभी द्वापर युग चला गया, अभी कलयुग आएगा, भगवान कृष्णा ये संसार छोड़ करके चले गए, अभी ये कलयुग में लोग बड़े बड़े पाप कर रहे हैं, इसलिए ये पृथ्वी दुखी हो रही थी, ये पाप को मैं कैसे सहन करूं। देखा एक बैल जिसका तीन पैर नहीं वो एक पैर में खड़ा हुआ, और एक शूद्र राजा उसको एक प्यार को भी तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। बोले वो कौन थी? वो थी धर्म। कहते सत्य तृतीया द्वापर कलिय चार युग। अभी ये तीन युग बीत गया, अभी धर्म का तीन चरण खत्म हो गया, अभी धर्म केवल एक प्यार को पर खड़ा हुआ। लेकिन वो जो व्यक्ति था वो था कलियुग। वो सोच रहा था कलियुग में मैं कोई धर्म कर्म रहने नहीं दूंगा, समस्त धर्म कर्म को मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन परीक्षित महाराज बोले नहीं, जब तक मैं राजत्व करूंगा तुम्हारी कोई स्थान नहीं, इसलिए तुम मेरे आग को सामने हट जा, नहीं तो तेरे को मैं जान से खत्म कर दूंगा। लेकिन उन्होंने चरण में पड़ करके रोने लग गए। बोले सत्य त्रेतया द्वापर ये तीन युग अपना अपना राजत्व किया, अभी ये कलियुग आ गया, अभी मेरी राजत्व, अभी मेरे को स्थान दो। तब परीक्षित महाराज ने देखा यद्यपि कलियुग अधर्म का युग है लेकिन कलियुग में एक विशेष गुण है। बोले कलियुग का गुण क्या है? बोले कलियुग के बलना माधारा, कलियुग बलना माधारा, सुमेरी सुमेरी नरा उतरही पारा, सुमेरी सुमेरी नरा उतरही पारा, कलयुग के बंधना बाधा, कलयुग के बोले कलयुग में अगर कोई ठाकुर जी थोड़ी सी नाम के बल कीर्तन कर ले उसी से ही जीव का उद्धार हो जाएगा, इसलिए बोले तुम कलयुग को भूल जाओ, तुमको जाने का जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने कलयुग को कहाँ स्थान दे दिया? बोले चार जगह पर स्थान दे दिया। अगर कोई व्यक्ति कली से बचना चाहते हैं, जैसे हरिनाम का कलयुग का मेडिसिन है, जैसे कोई अच्छे डॉक्टर हो, अगर अच्छे डॉक्टर के पास में जाओ तुम्हारी कोई बीमारी, डॉक्टर को बोलेगा देखो तेरे को तो बढ़िया दवा देगा, लेकिन ये परहेज को साथ में दवा लोगे जल्दी दवा असर करेगा। अरे परहेज क्या है कलयुग में? कलयुग का दवा तो ये हरिनाम संकीर्तन। बोले चार ही परहेज है। पहला नंबर है जुआ नहीं करनी चाहिए, धर्म का पहला चरण सत्य। जो जुआ खेलेगा वो कभी सच नहीं बोलता है, वो झूठ को बड़े झूठ बोलेगा। दूसरा नंबर है किसी तरह का नशीली वस्तु नहीं लेनी चाहिए, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। इसको लेने से जीव कभी तपस्या नहीं कर सकता है। बोले तपस्या कब हम करेंगे?
जब हमारी बुद्धि सही रहेगा। लेकिन नस्ली वस्तु लेने से बुद्धि कभी सही नहीं रहती है, इसलिए धर्म का दूसरा चरण चला गया। जो तीसरा चरण है स्त्रीय, बोले स्त्रियों को ऊपर में कलिका निवास। बोले कौन सा स्त्री है? बोले जो आप बैठ रूप में जो स्त्री पुरुष पुरुष स्त्रियों से मिलते हैं, संसार करो, शादी करके धर्म पत्नी को साथ में धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी करनी चाहिए। इसको करने से जीव की पवित्रता नष्ट हो जाती है। और जो चौथा चीज है जीव हिंसा। जीव हिंसा मतलब है मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। कलयुग में केवल ये चार नियम का पालन कर लो और थोड़ी सी ठाकुर जी के नाम कर लो, आप बड़ा पार, ज्यादा कोई परिश्रम की कोई जरूरत नहीं। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। लेकिन ये जो कलयुग तभी खुश नहीं हुआ, बोले मैं कहाँ ढूंढूंगा, कौन जुआ खेल रहा है, कौन शराब पी रहा है, मैं कहाँ ढूंढूंगा, मेरे को ऐसे एक स्थान पर जगह स्थान दे दो, कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं। तो उन्होंने सुवर्ण ले लिया। मतलब क्या है? तो अक्सर करके देख लीजिएगा, जो पाप कर्म है ना, जहाँ ज्यादा पैसा वही जुआ खेलना, वही बेस्या खाना जाना, वही पर शराब पीना, वही पर मांस मछली खाना, वो सारे गंदा काम वहीं पर होता है। लेकिन ये प्रश्न होता है, भैया पैसा तो लक्ष्मी है और लक्ष्मी तो नारायण की है, फिर वहां पर कैसे ही गंदी काम हो सकती है? बोले लक्ष्मी की दो बहाने हैं। बताओ लक्ष्मी कितने बहाने हैं? बोलो दो। क्या क्या है? अब बताओ लक्ष्मी किसको बरवाती है? देखना एक उल्लू को बरवाती है। इसलिए मतलब घर में जब लक्ष्मी आए ना, उसका बहाना उल्लू, फिर उल्लू को पर बैठ करके आकर के हमें उल्लू बनाता है, मूर्ख बनाता है। लेकिन लक्ष्मी की और एक बहाने गरुड़। लेकिन आप देखिएगा तब भी लक्ष्मी गरुड़ को पर अकेले नहीं बैठती है, वो नारायण को साथ में बैठती होती है। बोले इसका तात्पर्य क्या है? बोले घर में लक्ष्मी बुला, क्योंकि लक्ष्मी के बगैर कुछ भी होगा नहीं ना, पैसा के बगैर कुछ हो सकता है, कुछ भी होने वाले नहीं। लक्ष्मी को बुलाओ, क्यों? लक्ष्मी नारायण की है, ठाकुर जी की सेवा के लिए घर खुला। फिर तो वो गरुड़ को पर बैठ करके आएगी। गरुड़ कहाँ रहती है? बोले बैकुंठ। फिर तुम्हारी घर को ये बैकुंठ बना देगी। लेकिन अगर लक्ष्मी को कमा रहे हो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के लिए नहीं, खुद अपना भोगने भोग को भोगने के लिए, फिर वो उल्लू को पर बैठ करके आएगी, फिर हमें ये उल्लू बना देगी। इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ, ठाकुर जी की सेवा के लिए लक्ष्मी को बुलाने चाहिए। जब उन्हें स्थान दे दिया, एक दिन परीक्षित महाराज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे। आज उनको इतनी जोर से प्यास लग रहा था, जिंदगी में कभी लगेगी। देखा एक ऋषि भजन कर रहे थे, उनको उन्होंने पानी मारा। लेकिन ये ऋषि सचमुच से भजन ही कर रहे थे, लेकिन जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोले, ऋषिवर मेरे को थोड़ा पानी पिलाओ, मेरे को पानी पिलाओ। लेकिन वो तो भजन में बैठे हुए थे, उनकी भजन टूटा ही नहीं। बोले कि राजा को तुमने पानी तक भी नहीं पिला सका। वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उन्होंने धनुष को थोड़ा उठाया और ऋषि की गला में उन्होंने पहना दिया। उनकी बेटा का नाम था श्रृंगी ऋषि। जब उसको ये बात पता चला, उसने आए कौशल्या नदी से पानी को उठाए। बोले राजा लोग अभी क्या सोच रहे हैं? उन्होंने उठा कर एक अभिशाप दे दिया। बोले जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प को डाला, मैं अभिशाप देता हूँ, सप्तम दिवस में उसको तक्षक दंशन करेगा। अभी बच्चा जब रोने लग गया ना, पिताजी की नींद खुल गई, उनको
भजन ध्यान टूट गया। तो यहाँ प्रश्न करते हैं, अभी तक परीक्षित महाराज आकर के चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ के चले गए और ऋषि का आंख ही नहीं खुले, और जब अपना बेटा आकर के थोड़ी सी रो गया, आंख खुल गई कैसे? क्या वो दूसरा था या अपना बेटा? पर नहीं, इसका दो कारण बताए। पहला कारण है, अभी ये परीक्षित महाराज को निमित्त करके ये भागवत जगत में प्रकट होगा। संत लोग पहले जब भजन में बैठते महीना महीना तक समाज में बैठ जाते थे, इनकी आंख नहीं खुलती थी। देखा अगर परीक्षित महाराज को अभिशाप लगा, जब तक ये पता नहीं चलेगा ये कैसे आएंगे भजन में, फिर ऋषि मुनि लोग आएंगे कैसे, सुखदेव गोस्वामी आएंगे कैसे, कथा कैसे होगा। इसलिए जोग माया ने इनकी जो ध्यान को तोड़ दिया, ये पहला कारण। दूसरा कारण है, ये परीक्षित महाराज परम कृष्ण भक्त। अगर कोई भक्त तुम्हारे दरवाजा पर आए, थोड़ा पानी मार दिया, आप पानी नहीं दे सकते हो, एक तरह का उनकी चरण में अपराध हो गया, पाप हो गया है। जब किसी संतों का चरण में तुम्हारी अपराध हो जाएगा ना, भक्ति से तुमको गिरना पड़ेगा, भक्ति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। इसलिए मानो उनकी भक्ति ध्यान टूट गई और सामने देखा बेटे को रोते हुए, बोले बेटा क्या हुआ? बोले आज हमारे आश्रम में परीक्षित महाराज आए। बोले परीक्षित महाराज, ये तो परम कृष्ण भक्त है, उनको स्वागत किया कि नहीं? बोले स्वागत किया, वो आपको पानी मांगे, आप पानी नहीं दिया तो आपको गले में मरा हुआ सर्प को डाल कर चले गए। बोले फिर क्या, मैंने अभिशाप दे दिया, सप्तम दिवस में उनको तक्षक दर्शन करेगा। उनको पिताजी को इतना क्रोध आया, बोले इतने बड़े भक्त आए जिनकी कृपा से हम लोग स्वच्छंद रूप में भजन कर पा रहे, पानी तो दिया नहीं, अभिशाप दे दिया, सप्तम दिवस में तक्षक दर्शन करेगा। बोले मैं भी आज से ये ब्राह्मण समाज को मैं भी अभिशाप देता हूं, आज से इनकी जो बात शक्ति पानी में जो शक्ति ये नष्ट हो जाए। तब से ब्राह्मणों का जो पानी में शक्ति थी वो सबके सब शक्ति उनकी नष्ट हो गई। बोले भैया कम से कम जाओ परीक्षित महाराज को बोल दो, तुम्हारे पास में केवल शांति दी है। लेकिन जब परीक्षित महाराज को बोलने के लिए गए, परीक्षित महाराज इतने दुखी थे। बोले क्यों दुखी थे? बोले मैं अर्जुन को वंशधर, मैं पांडव का वंशधर हूं, जो पांडव लोग कृष्ण के ये परम भक्त है, हर समय संतों को ब्राह्मण को इन लोगों ने पूजा की, लेकिन मैं कैसे एक कुलागार जन्म लिया, पानी के लिए एक ऋषि की गले में मैंने मरा हुआ सर्प कैसे डाल दिया। अगर हमने कोई पाप कर्म कर ले उसको अगर दंड मिल जाए ना, कभी तुम्हारी प्रायश्चित हो जाए, अगर दंड नहीं मिलेगा तो तुम्हारी प्रायश्चित नहीं होगा। इसलिए सोच रहे थे इसका कोई मेरे को दंड मिलनी चाहिए। लेकिन जब एक गौरमुख नाम का ब्राह्मण ने ये बात बताई, श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया, सप्तम दिवस में तक्षक दंशन करेगा, वो दुखी नहीं है, सुखी है। अच्छा हुआ है, क्यों? दंड मिल गया ना, हमारी अपराध क्षमा हो जाएगी। और मरने से आप देखिएगा, मरने से एक मिनट पहले हमें पता नहीं चलता है हम मरने वाले हैं, लेकिन ठाकुर जी को देखो कितने कृपा है, सात दिन पहले ठाकुर जी हमें सूचित कर दिया, कम से कम 7 दिन अंदर में तो नहीं मरूंगा, कम से कम ये जीवन को हम भगवान की भक्ति में लगा सकता हूँ, भगवान की मैं कथा सुन सकता हूँ। अपना बेटे को उन्होंने राज सिंहासन में अभिषेक करते हुए उन्होंने गंगा किनारा में आश्रय लिया, गंगा भगवान की चरणामृत है, मानव ठाकुर जी की चरणों को उन्होंने आश्रय ग्रहण किए। उसी समय में टेलीफोन टेलीग्राफ कुछ भी नहीं था, लेकिन ऋषियों के पास में दिव्य ज्ञान हुआ करता था, वहां पर 88,000 ऋषि लोग एकत्रित हुए, क्योंकि अभी यहाँ पर हरि कथा होगी। तब परीक्षित महाराज बोले, ये मेरे ऊपर अभिशाप नहीं, मेरे ऊपर में ठाकुर का वरदान है। जीवन में एक सत्पुरुष दर्शन करना बड़ा कठिन, लेकिन आज देखो यहाँ पर कितने सारे ऋषि मुनि लोग, 88,000 ऋषि लोग
तब परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, बोले आप लोग कृपा करके बताओ, आज हो कल हो परसू हो नहीं तो बरसू हो, एक दिन सबको मरना ही है। जो मरना सरना व्यक्ति है उनका क्या कर्तव्य है? लेकिन वहां पर जितने ऋषि मुनि लोग थे ना, वो आपस आपस में तर्क वितर्क कर रहे थे। कोई बोल रहे थे ध्यान करो, कोई बोल रहे थे यज्ञ करो, कोई बोल रहे थे नवरात्रि करो। बोले भैया नवरात्रि तो नहीं, तो 9 दिन की उपवास में 7 दिन है। किसने बोले नारायण कवच को पाठ करो, है इसलिए मृत्युंजय पाठ करो। बोले भैया 49 दिन होता है। आपस आपस में ना तर्क वितर्क कर रहे थे। महाराज को पता था, क्या पता था, ये जितने आपस आपस में चर्चा क्यों नहीं करे, लास्ट में एक चीज में पहुंचेंगे। बोले क्या है? बोले सुरतव्य, अगर जीवन में करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, वो लास्ट में एक ही सिद्धांत में पहुंचेंगे। लेकिन वर्षा जब कृषि सुखा, जब कृषि सूख जाए, वो बारिश का क्या मतलब है? मेरे पास में कुल 7 दिन और एक एक मिनट एक एक सेकंड सेकंड आगे चलते हुए जा रहा है। मेरे पास में धीरे धीरे समय की कमी होते हुए जा रही है। इसलिए उन्होंने हृदय में उन्होंने ठाकुर जी को स्मरण किया। बोले ठाकुर जी आप तो मेरे को मातृ गर्भ में दर्शन दिया था, कृपा करके ऐसे कुछ व्यवस्था कर दो जैसे 7 दिन तक तुम्हारी कथा सुनते सुनते समय बीत जाए। जब उन्होंने ध्यान किया, भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। बोले तो दष्ट वर्षा सुकुमार पाद, कहते कितने उम्र था? बोले 2 अष्ट मतलब 8 साल, 16 साल की सुकुमार पाद। क्या देखने में कृष्ण जैसे, देखने में कृष्ण जैसे श्याम रंग के, ये भी श्याम रंग के, बड़े घुंघराली कैसे है, जैसे 24 जो महापुरुष का लक्षण निकलते, कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी नाते थे, कभी लोट फोट खाते थे। बच्चे लोग तो समझ रहे थे कोई पागल है, कोई कोई तो इनको धूल झोंक रहे थे, लेकिन स्त्रियां ना इनको देख करके बहादुरी हो रही थी, क्योंकि इतने सुंदर थे जैसे मदन मोहन जैसे, बड़े सुंदर देखने में, लेकिन लगता है ये पागल हो गया है। लेकिन पागल तो है, लेकिन वो कृष्ण प्रेम ही पागल था, है साधारण पागल वो था नहीं। जब उन्होंने प्रवेश किया ऋषियों के समाज में, लेकिन वहां पर सबके सब बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए थे, लेकिन कहते जौहरी जौहरी चीन, कहते जो सोनार ना वही व्यक्ति सोने को पहचान सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए थे, इन लोगों ने सुखदेव गोस्वामी के शरीर में जो अष्ट साथी के प्रेम के विकार था, इसको देख करके समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का वहां पिताजी के पिताजी के पिताजी बैठे हुए थे, लेकिन ये सबसे छोटे साल 16 साल के, 100 साल के, 150 साल के, 500 साल की, बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए थे, लेकिन इन्होंने सबको उन्होंने प्रणाम किया। सबको प्रणाम करते हुए उन्होंने सीधा व्यास गति पर बैठी गए। जब व्यास गति पर बैठी गए, श्री परिकृत महाराज तो प्रश्न का जरी लगा दी। बोले अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले हे सुखदेव गोस्वामी आप कृपा करके ये बताइए, अतः पृच्छामि संसिद्धि। संसिद्धि का मतलब होता है, देखना इसी जगत में भले ही आपको जितने पैसा क्यों नहीं मिल जाए, जितने पैसा क्यों नहीं हो जाए, पूछ लो क्या तुम्हारी मन भर गया? कमाई मतलब क्या? कम आई और ज्यादा आनी चाहिए, किसकी मन में तृप्ति नहीं? अंबानी को पूछ लो, इतने पैसा के मालिक, वो सोचता हुआ पृथ्वी का पहला नंबर नहीं चाहिए, सबसे धनी पृथ्वी का पहला नंबर में आनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते जिसको जितना मिल जाए, देखना कोई खुश नहीं होते। लेकिन इनके प्रश्न है जगत में ऐसे क्या चीज है, अगर जिसको तुम्हारे जीवन में मिल जाए ना, तुमको ऐसे लगे
जीवन में सब कुछ हमें मिल गया, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं। ऐसे क्या चीज है, हैं? क्या चीज है इसे? इसलिए पुरुष से कर्तव्यम, अरे पुरुष मात्र का क्या कर्तव्य है? बोले म्रिय मानस सर्वथा, म्रिय मानस मतलब जो मरणशील, जो अभी अभी जो मरने वाले। आप बोलो हम थोड़ी मरने वाले हैं, अभी कोरोना आई थी ना, कितने लोग गए, किसको पता था कोरोना में हमें चली जाएगी। लेकिन हम लोग क्या सोचते, या श्री युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न किया धर्मराज ने, बताओ तो जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, पृथ्वी में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जब उन्होंने प्रश्न किया बोले जगत में सबसे बड़े आश्चर्य चीज है तेरे ना कोरोना में कितने कितने लोग चले गए। लेकिन कोई सोचता है मैं मरने वाला है, बोले वो मर गया, हमसे छोटे था वो मर गया, लेकिन हम बड़े। हम सोचते वो मर गया, मैं थोड़ी मर गया, हम नहीं मरेंगे। बड़ा आश्चर्य चीज है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं परीक्षित महाराज के पास मतलब शांति थी, लेकिन हमने जो एक श्वास छोड़ रहे हैं दूसरे श्वास में ले पाएंगे, इसके पास में कोई गारंटी क्या है? कोई गारंटी नहीं। बोले निश्वास नैव विश्वास कतर भविष्यति, कहते निश्वास में कोई विश्वास नहीं, कहते कब ये श्वास बंद हो जाएगी। इसलिए प्रिय मानस सर्वथा, जो मरणशील व्यक्ति उसका क्या कर्तव्य? जत स्वर्तव्यम अथ जप्यम, हमें क्या सुननी चाहिए, क्या जप करनी चाहिए, हैं? इसलिए क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप कृपा करके हमें ये सारे बात बताओ। ये प्रश्न को सुन करके परीक्षित महाराज की सुखदेव गोस्वामी बड़े खुश हो गए। बोले परिया सत्य प्रश्न परीक्षित महाराज, तुमने जो प्रश्न किया है परियार, बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया। जिस प्रश्न का प्रश्न को आत्मबीत संगत पुंसान, जो आत्मा में जो रमण करने वाले बड़े बड़े ऋषि लोग भी तुम्हारी प्रश्न को आदर करेंगे, क्या तुमने बड़े सुंदर प्रश्न किया है। अब इसकी उत्तर देते हैं, देखो परीक्षित, आप लोग भी ध्यान देकर सुनो अच्छे तरह से। कहते जो जगत में जो जीव है वो चार ही काम करता है, कितने काम करते हैं अच्छे तरह से सुनो, कितना काम, चलो तुम कल पूछूंगा, कितना काम करते हैं दिन में? चार काम। बोले दिन में दो काम करते और रात में दो काम। बोले दिन में दो काम क्या करते हैं? बोले पैसा कमाओ और इसी पैसा से परिवार को भरण पोषण करो, ये दो काम दिन में करते हैं। रात को दो काम क्या करते हैं? विश्राम करना और विषय भोग करना, बच्चों को जन्म देना, हैं? ये चार ही काम, जितने सारे काम ये चार ही काम में आ जाता है। तब श्री परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कहते देखो ये जो मानव शरीर हमें भगवान दिया है, लेकिन ये मानव शरीर ठाकुर जी हमें 84 लाख जन्म के बाद में हमें ये मानव शरीर देते, ये शरीर ठाकुर जी बारंबार हमें नहीं मिलता है। कहते 84 लाख ब्रह्म के ये नर तरुण है, कहते 84 लाख जन्म के बाद में हमें ये मानव जन्म ठाकुर एक बार देते हैं। इसलिए भगवान राम भी अयोध्या वासियों को यही समझाते हैं। भगवान क्या कहते हैं? बोले साधन धा भगवान राम अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं, बोले हे अयोध्या वासियों, ये जो मानव शरीर हमें दिया है,
यदि ये मानव शरीर को इतने दुर्लभ क्यों बताया, पहले कारण है 84 लाख जन्म में केवल ये मानव शरीर ऐसे ही जीवन है जिस शरीर से भगवान को भक्ति कर सके। 84 लाख जन्म में किसको बोलो राम राम कृष्ण कृष्ण बोले, मानव के सिवाय और कोई बोल सकता है राम राम कृष्ण कृष्ण? आप लोग मेरे तरफ में देखो, इधर देखो, उधर मत देखा करो, कोई एक माता जी कोई साड़ी नहीं गई आज सबके से उधर देखना सोचे जैसे जीवन में कोई साड़ी नहीं गई, कथा सुना है इसलिए इधर उधर मत देखा करो। इसलिए कहते साधन धामो मोक्ष करे द्वारा, कहते जो मानव शरीर है कहते इसी शरीर से ही हम भगवान की भक्ति साधन कर सकते हैं, और किसी जीवन में भगवान की भक्ति नहीं होगा। केवल एक ही जुहा मिला 84 लाख जीवन में, जिस जुहा से हम कृष्ण कृष्ण राम राम कर सकते, दो ही प्यार मिला हमें। आप लोग घर से चल चल करके यहाँ तक आए हो, आप बताओ इंसान के सिवाय और कोई क्या कथा सुने आए, कोई नहीं आए। एक ही हृदय ठाकुर जी दिए, जिस हृदय से हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं, दो ही आंख दिए जिससे हम ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं, दो ही हाथ दिए जिन्हें हाथों से ठाकुर जी की हम सेवा कर सकते हैं, और कोई मानव शरीर के सिवाय किसको बोलो भगवान की भक्ति भजन करके कोई कर सकते हैं क्या? कोई नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहती है जो मानव शरीर है कहते साधन धाम, मतलब इसी शरीर से ही हम भगवान की साधन भजन कर सकते। लेकिन भगवान राम कहते हैं लेकिन पाई ना जई पर लोक सवारा, भगवान जिनको ये मानव शरीर तो दे दिया लेकिन ये मानव शरीर पा करके जो भगवान की भक्ति नहीं किया, पर लोग वो सुधारने के लिए कोशिश नहीं किया, उसके दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं भैया फिर तो मानव शरीर ठाकुर दोबारा नहीं देंगे, फिर तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े वृक्ष जन्म में जाना पड़ेगा, फिर तो सर पिटते रह जाओगे, लेकिन तेरे को ये मानव शरीर ठाकुर देने वाले नहीं। इसलिए ये मानव शरीर पा करके जितने जल्दी से जल्दी करो क्या करो, बोले भगवान की भक्ति में लग जाओ, प्रभु की भजन में लग जाओ। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण, सब लोग बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बार आप लोगों को बोले मैं सुनता, बोला बोलो हरे बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ये कथा के बाद में दो बार पूछूंगा इतना मेरे को बोल पाता है, जो नहीं बोलेगा ना खड़ी कर दूंगा ध्यान लेकर सुन। ये जीवन की हमारी जीवन की कथा है। बोले एक समय कोई अंधा था, वो अंधा डंडा टेकते टेकते जा रहा था, एक बहुत बड़ी महल बनी हुई थी जिसमें 84 लाख दरवाजा था। कितना दरवाजा था बोलो जोर से, 84 लाख। लेकिन ये सारे दरवाजा भी सारे दरवाजा बंद था, लेकिन उसमें केवल एक दरवाजा खुला हुआ था। ये तो अंधा इसको दिख नहीं रहा था, और डंडा टेकते टेकते चलते चलते भूल से और जो खुली ही दरवाजा में घुस गया अंदर। जब अंदर चला गया तो अंधा उसको तो दिखता नहीं, वो निकलने के लिए कोशिश तो कर रहा है नहीं निकल नहीं पा रहा। बोले क्यों, सारा दरवाजा बंद, एक ही दरवाजा खुला। एक दरवाजा में हाथ लगाया बंद, दूसरे दरवाजे में हाथ लगाया बंद, तीसरे में हाथ लगाया बंद। कितना दरवाजा उसमें थी, 84 लाख। समझो कितना दिन लगेगा, कितना दिन उसको लगेगा, ऐसे करते 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 पता नहीं कितने सालों के बाद में ये खुला हुआ दरवाजा में आया। जब ये खुला हुआ दरवाजा में आया, यहीं पर आकर के उसने देखा सारे दरवाजा तो मेरे को बंद पड़ा हुआ था, ये दरवाजा थोड़ी खुला होगा, वो भी बंद हुआ होगा। इतने में उसकी थोड़ी खुजली मच गई, और वहीं आकर के ना उसने खुजलाना शुरू कर दिया, वहीं आकर खुजलाना शुरू कर दिया। ए खुजलाते खुजलाते जो खुली दरवाजा बाहर हो गया,
जब पार हो गया फिर कौन सा दरवाजा आएगा? बोलो कौन सा दरवाजा आएगा? बंद दरवाजा आएगा। बंद दरवाजा कितना दरवाजा है? 84 लाख। जब ये चीज को समझो, वो अंधा और कोई नहीं, वो अंधा हम ही। हम भगवान से बिछड़ करके, भूल करके, हम ये 84 लाख जन्म में हम भटक रहे हैं। भटकते भटकते आते आते, लेकिन जब ये खुला हुआ दरवाजा मिला, खुला हुआ दरवाजा कौन है? ये मानव शरीर, ये खुला हुआ दरवाजा। लेकिन जब ये खुली हुई दरवाजा, मतलब मुक्ति की दरवाजा, अपने भगवान राम कह रहे हैं, जब आया, हमने क्या किया? कोई खुजलाना शुरू कर दिया। खुजलाना शुरू किया मतलब जानते हो, ये जानवर जीवन में जो जो काम कर रहे हैं ना, ये जीवन में फिर वही काम शुरू कर दिया। वो कौन सा काम? जो चार काम, चार काम किया, पैसा कमाना, स्त्री पुत्र परिवार को भरण पोषण करना, और बच्चे जन्म देना और मर जाना। जन्म तो ही करते ना, और करते क्या है? खाए पिए, दो चार बच्चे जन्म देकर मर गए। हम भी जीवन में यही काम किया, पढ़ाई लिखाई किया, कोई नौकर कर दिया, दो चार बच्चे हो गए, उनको बड़ा करके मर गए, और इसके सिवाय हमने क्या किया? हमने ये मानव शरीर, जो मुक्ति के दरवाजा में हम पहुंचे हुए थे, भगवान की भक्ति करते हुए संसार से हम मुक्ति हमें मिल सकती थी, लेकिन ये जीवन पा करके हमने मुक्ति के मार्गों को प्रशस्त नहीं किया। फिर वही घर गृहस्थी करके जीवन बिता दिया, खत्म। इसको बाद में फिर कौन सा जीवन मिलेगा? फिर वही 84 लाख जीवन में फिर हमें जाना पड़ेगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, ये मानव शरीर पा करके जो भगवान की भक्ति करते हुए ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाते हैं, वो चिरकाल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ये जीवन पा करके फिर विषय में मस्त होकर के ये जीवन को जो बीता देते हैं, फिर वही 84 लाख जीवन में फिर जाना पड़ेगा। इसलिए जीवन पा करके परीक्षित महाराज क्या करनी चाहिए? भगवान के भजन में लग जा। आप बोलोगे हम तो घर गृहस्थी, आप थोड़ी साधु हुए, हम थोड़ी साधु हुए, दिन भर माला लेकर बैठे। बोले माला लेकर बैठने का जरूरत नहीं। भक्त ठाकुर जी कहते, गृह वा बने ते ठाकुर सदा हरि बलिदान। घर में रहो नहीं तो वन में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं जीवन बिताओ, भगवान की भजन करते हुए जीवन बिताओ। इसलिए घर गृहस्थी छोड़ने का जरूरत नहीं, अपना घर को ही ठाकुर का मंदिर बांध लो। जो कुछ करो ठाकुर की सेवा की भाव से करो। घर में झाड़ू लगाओ, गोपियां भी तो घर में थी। भागवत में देखो जितने कथा आएगी, ध्रुव प्रहलाद अंबरी सब घर में थे, कोई साधु नहीं, त्यागी संत नहीं घर में, लेकिन घर में रहते हुए वो ठाकुर के भजन करते थे, भगवान की भक्ति करते हुए करते थे। देखो जिनकी घर में अभी कथा हो रही है, ये थोड़ी कोई संसार छोड़ दिए, लेकिन इनका बच्चे को देखो, तिलक लगाए, गले में कंठी, हरिनाम करते हैं, माला करते हैं, इनके पूरा के पूरा परिवार सबकी गले में कंठी तुलसी, इनके बच्चे सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब भक्ति भजन सब कर रहे हैं, भजन। ऐसे नहीं घरवार छोड़ छाड़ दिए, कोई घरवार नहीं छोड़, घर में रहते हुए क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। इसलिए कहीं भी रहो क्या करो, भगवान की भक्ति करते हुए जीवन को बिताना चाहिए। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम के भजन। एक भजन सुनो, चलो रे मन श्री वृंदावन
Yeah.
ये सृष्टि का क्रम को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुए, चारी तरफ में पानी पानी देखा, कमल लाल ने हजार साल तक अनुसंधान किया लेकिन कोई था नहीं मिला। जब ऊपर में उठे व्यंजन वर्ण का सोलमा और एकोसना अक्षर सुन, मतलब त और प, बोले तुम तपस्या करो। जब ब्रह्मा जी तपस्या की, भगवान ने बोले ज्ञानमय परम गृहम जद विज्ञान समन्वितम सारहस्यंच तदगंच गृहानम गदितम मया। भगवान अपना बंसी ध्वनि द्वारा ब्रह्मा जी को कानों में ये गोपाल मंत्र प्रदान करते हैं और भगवान बोले मैं तुमको ज्ञान एवं परम गृह ज्ञान तुम्हें प्रदान करता हूँ। और ब्रह्मा जी वो ज्ञान को प्राप्त करते हुए जगत ने सृष्टि की। सृष्टि करने का बाद ब्रह्मा जी सर्वप्रथम उन्होंने चतुष्सन को उन्होंने सृष्टि की। बोले हमें क्या करनी चाहिए? बोले भगवान की इच्छा इस सृष्टि का क्रम को तुम बढ़ाओ। बोले पिताजी हमारी मन में कोई घर गृहस्थी की कोई इच्छा नहीं, हम तो चाहते हैं भगवान की भक्ति करते हुए आनंद में ये जीवन को बिताए। बोले भगवान का आदेश सृष्टि करना और सृष्टि का तुम पहला हो, अब कह तो भगवान के आदेश को पालन नहीं करोगे। अगर तुम आदेश पालन नहीं करोगे मैं अभिशाप देता हूँ। तुम जैसे बच्चे होकर के जन्म हुए ना, जिंदगी भर बच्चे ही बने रहो। बोले गुरु जी ये थोड़ी अभिशाप थोड़ी है तो वरदान है। संसार का घर का बोझ किसको ऊपर है? बच्चों को ऊपर ना बड़ों को ऊपर? सारे बड़ों को ऊपर। बच्चे तो मस्ती से खेलते, देखो बच्चे को खा रहे पी रहे कूद रहे, कोई चिंता नहीं है बच्चों का। संसार का जितना बोझ बड़े ऊपर में, इसलिए बोले पिताजी तो वरदान है, ये थोड़ी अभिशाप है। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के क्रोध आया तो उनको ललाट से भी रुद्रदेव प्रकट हुए। बोले पिताजी क्या आदेश है? बोले एक ही आदेश, संसार का क्रम बढ़ाओ। लेकिन शंकर जी योगी योगी महायोगी और देव देव महादेव शंकर जी, आप कहीं भी शंकर जी की रूप देखोगे ना, देखना तपस्या करते हुए देखते, ध्यान में बैठे हुए हर समय ठाकुर जी के चरण में ध्यान लगाने बैठते हैं। शंकर की भी कोई इच्छा नहीं है घर गृहस्थी करने का, शंकर जी की इच्छा प्रभु के भजन में रमे रहो। लेकिन ये देखा अगर हम आदेश नहीं पालन करेंगे फिर तो हमें अभिशाप दे देंगे ब्रह्मा जी। बोले ऐसे काम करो पिता, हमने यहाँ मना कर दिया। उनने भूत पिशाचों को सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी बोले ये कोई सृष्टि है? ये संहार करने जा रहे हो ना, सृष्टि का बंद करो, जरूरत नहीं सृष्टि की। शंकर जी कहीं बच गया। फिर उन्होंने अपना परछाई से कर्तव्य ऋषि को सृष्टि किए। फिर उन्होंने 10 संतान जन्म दिए। फिर उन्होंने अपना शरीर से ब्रह्मा वाम अंग से सत्वरूपा और डाहन अंग से उन्होंने मनु महाराज को सृष्टि की। फिर इनको आदेश दिया तो ये जो सृष्टि का जो क्रम है ना, धीरे 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 यही से ही सृष्टि के क्रम प्रारंभ हुआ। इसलिए हम लोग श्री मनु महाराज से सृष्टि हुई है, इसलिए हमको कहते मानव। क्या कहते हैं हम लोगों को? मानव। मानव क्यों कहते हैं? क्योंकि मनु महाराज से सृष्टि हुआ। लेकिन अभी का जो साइंटिस्ट लोग ना बच्चे के स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, एक डार्विन का थियोरी है, वो कहते हैं हमारे पूर्वज लोग है ना सब के सब बंदर थे। ये बंदर का पूंछ कटते कटते जब खत्म हो गया हम सब इंसान हो, अभी का साइंस कहते हैं। लेकिन हमारे गुरुवर्ग कहते बोले नहीं, हम बंदर हमारे पूर्वज नहीं थे, हमारे पूर्वज है मनु महाराज। हम मनु महाराज से सृष्टि हुई। इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी महाराज कहते हैं अगर बंदर से इंसान हुए अभी कितने बंदर घूम रहे हैं? अभी कोई इंसान बनता है? उसी समय की पूछ कटते कटते इंसान बने, अभी तो कोई इंसान बन जाते हैं? तो बंदर से कभी इंसान नहीं बन सकते हैं। इसलिए डार्विन मरने से पहले बोल कर गया, बोले मेरे को जोर जबरदस्ती सरकार ने कहा था प्रूव करके दिखा दो ये बंदर से हुए। बोले क्यों? बोले लोगों को नास्तिक बनाना ये चाह रहे थे सरकार, लेकिन ये बंदर से कभी इंसान नहीं बन सकता है। उसने हमें धोखे दे करके एक गरीला का खोपड़ी एक बंदर का खोपड़ी लेकर लगा दिया, उन्होंने हमको बेवकूफ बना कर देखा कर चला गया। भैया कोई बंदर से कोई इंसान नहीं हुए, मनु महाराज से हुए हैं, इसलिए हमको क्या कहते हैं? मानव कहते हैं। आप गीता पढ़ो, बाइबल पढ़ो,
हमारी और क्रिश्चियनिटी कोई ग्रंथ पढ़ो, कुरान पढ़ो, किसी धर्म का ग्रंथ देखोगे ना, देखो हमारी भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं ममई मांस जीव लोके जीव भूत सनातन। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जगत में जितने जीव है सब मेरे बच्चे हैं, इसलिए हम कहते हैं ना तुम्हें व माता च, बोलो उसका आगे क्या है, पिता तुम्हें व बंधु सखा तुम्हें व विद्या द्रविण तुम्हें व सर्वम हम देव। ये कहाँ कह रहे हैं गीता में, आप क्रिश्चियन का बाइबल पढ़ो, बाइबल में लिखा हुआ है God created man in own image। ये बाइबल में बताया भगवान ने अपना जैसे इंसान बनाया। मुसलमान का कुरान पढ़ो, वो कुरान में लिखा हुआ अल्लाह ने अपना सूरत इंसान को दिया, ये लिखा हुआ मुसलमान ग्रंथ में लिखा हुआ है। देखो वहां पर भगवान कृष्ण, देखो भगवान कृष्ण राम को देखे हो, भगवान को साथ में तुम्हारी सूरत मिलता कि नहीं, भगवान के नाक जैसे तुम्हारी नाक पीछे, भगवान के दो आंख तुम्हारे कितने आंख, चार दो, भगवान के 32 दांत तुम्हारे कितने दांत है, 32, भगवान के दो पैर तुम्हारे कितने पैर है, चार पैर ना दो भाई, ये भगवान को साथ में तुम मिल रहे कि नहीं, और राधा जी को साथ में देखो तुम लड़कियां मिल रही कि नहीं, किसी बंदर को ला के रख दो उसका कोई भी चेहरा का साथ में तुम्हारे चेहरा मिलेगा, बताओ बंदर को साथ में कोई आंख नाक कान कुछ भी तुम्हारी मिलेगा बंदर को साथ में। इसलिए भैया हम बंदर नहीं हुए हैं, हम किससे हुए हैं, हम ठाकुर जी से हुए हैं, भगवान से हम हुए हैं, इसलिए हम भगवान के औलाद अमृतस्य पुत्रा हैं। देखना हमारे भारत में गोत्र होता है, गोत्र होता है कि नहीं बताओ, तो तुम्हारी गोत्र क्या है बोलो जोर से, अगस्त है ना, उसको पीछे जो बैठे तुम्हारी गोत्र क्या है, परासर तुम्हारी गोत्र क्या है, तुम्हारी गोत्र बोलो क्या गोत्र तुम्हारी, देखना सबका गोत्र हमारी बोले गोत्र कहां से आ गया। कहते ब्रह्मा जी ने जब उन्होंने 10 पुत्र को उन्होंने जन्म दिया है, जिस ऋषि की परंपरा से हम आए हैं हम उन्हीं के नाम करें, कोई कश्यप कोई वशिष्ठ कोई परासर, क्यों, ये 10 ऋषियों की सृष्टि से ही धीरे धीरे ये सृष्टि आया है, इसलिए हमारे भारत में सबका सब गोत्र ये भारत है। इसलिए हम लोग इस सब चीज को भूल जाना, हम बंदर से हुए हैं। लेकिन अब अमेरिका में जाओ ये फिलोसफी वहां नहीं पढ़ाई होती, ये डार्विन का थ्योरी वहां नहीं चलती है, ये बेकू भारत जहाँ सनातन धर्म है, जहां पर भगवान राम कृष्ण जन्म हुए वहीं पर ये कॉलेज में पढ़ाई होती है, अमेरिका में नहीं पढ़ाई होती है। हमारे पूर्वज लोग बंदर थे भैया, हमारे पूर्वज लोग भगवान राम और कृष्ण है, बस वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए यही से ही धीरे 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 सृष्टि की करकरा हुई, इसलिए मनु महाराज ने उन्होंने 5 संतान जन्म दिए, 2 बेटे उत्थानपाद और प्रियव्रत और 3 बेटी आकुति देहूति और प्रसूति है। यदि यहाँ पर माता देहूति की कथा आती है, कहते माता देहूति को साथ में कर्दम ऋषि की शादी हुई, शादी होने का बाद फिर उन्होंने भजन में बैठी गई, माता देहूति पतिव्रता धर्म को साथ में उन्होंने पति की उन्होंने बड़ी सेवा की पति 10,000 साल, जब उनके आंख खुले उन्होंने भूल गए हम लोग शादी की, लेकिन ये माता देहूति पति सेवा करते 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 एकदम बूढ़ी हो गई, सामने देखा कि बुढ़िया बैठी हुई, बोले तुम कौन हो, बोले आप भूल गए कभी शादी की है, बोले तू वही देहूति, तू कहती है आकृति देहूति प्रसूति इतनी सुंदर थी, शास्त्र में वर्णना आती है जब ये तीनों लड़की आंगन में खेलती थी, जिनकी सुंदरता को देख करके देवता भी बेहोश हो जाते थे, इतनी सुंदर थी, लेकिन उसने पति की सेवा करते करते पतिव्रता धर्म को साथ में बुरी हो गई। देखो जो पतिव्रता धर्म याजन करती है, एकनिष्ठ होकर के पति को सेवा करती है, देखो उसमें कितने शक्ति, बोले देहूति बताओ तुमको क्या चाहिए, बोले जब भगवान ने इन्होंने तपस्या की थी ठाकुर जी उनका दर्शन दिए थे, बोले वर मांगो, बोले ठाकुर जी मेरे को आपके चरण में भक्ति हो, बोले तथास्तु, बोले और कोई वर मांगो, बोले मेरे मन में तो कोई संसार की इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा संसार की क्रिया क्रम बढ़े, इसलिए आपकी इच्छा जानकर मैं तो शादी करूंगा,
लेकिन एक शर्त है, पर बताओ कल आप अगर मेरे बेटे बन करके आओगे मैं शादी करूंगा। आप बोलो मेरे बेटे बनोगे? ठाकुर बोले ठीक है मैं तेरा बेटा बनूंगा। बोले और क्या चाहते हो? बोले तब तक संसार में रहेंगे जब तक संतान नहीं हो जाए, उसको बाद में फिर भजन करने के लिए मेरे चले जाओ। बोले कोई बेटा कोई बात नहीं। इसलिए उनकी शादी हुई। शादी में बोले इतने में बोले क्या चाहते हो? बोले आपने क्या बनवा था? ठाकुर बेटे बन करके आए ना। बोले हाँ। बोले ठीक है काम करो, ये बिंदु सरोवर में तुम स्नान करो। जब उसने स्नान की, पहले जितने सुंदरी थी ना उससे भी ज्यादा सुंदरी बनकर प्रकट हुई। हजार हजार दास दासियां प्रकट हुई और उनको सुंदर जो कंघी से केस को सुंदर करके सजावट श्रृंगार कर दी। और कर्दम ऋषि ने एक विमान सृष्टि की जिसका नाम था कामक विमान। ऐसे विमान थी, विमान एरोप्लेन ऐसे था जिसमें कितने क्रोश तक, जिसमें राजमहल बने हुए, जिसमें बड़े सुंदर सरोवर, सुंदर सुंदर पशु पक्षी जहाँ पर कलरव कर रहे हैं, जहाँ पर चार तरह का कमल फूल खिले हुए, वहां पर वर्णन आया उसमें जो बैठेगा ना वो कभी बूढ़ा कभी बूढ़ी नहीं बनेगा, वो कभी इसकी भूख प्यास नहीं लगेगी। अद्भुत विमान जिसमें पेट्रोल और डीजल की कोई जरूरत नहीं। अभी जो एरोप्लेन निकला ना कहाँ से किसको देख करके निकला? उन लोगों ने सब ग्रंथ को ब्रिटिश लोग सब भारत से चोरी चोरी करके ले गए और लेकर ये ग्रंथ को हमारी पढ़े। हम लोगों ने रामायण देखे होंगे, सीता का रावण कैसे उतार ले गया पुष्पक विमान में। लेकिन भगवान जब राम अयोध्या से आए उसी विमान में आए। वर्णन आती है रामायण में लाख करोड़ों लोग बैठ करके वो विमान में वापस आए। पहले साइंस, अभी का साइंस से बहुत एडवांस था पहले साइंस है। इसलिए इन्होंने अद्भुत उन्होंने विमान सृष्टि करके कामक मतलब जैसे चाहोगे, कोई पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं, कोई उसमें कोई चलाने के लिए कोई है उसमें कोई ड्राइवर कोई जरूरत नहीं, पायलट की कोई जरूरत नहीं। वो अपने आप आकाश में उड़ेगी। वो आकाश में बैठ करके उड़ते रहे और उनको बड़ी सुंदरी सुंदरी नॉट उनको बेटी जन को कर्दम ऋषि वाले देव के खुश हो गए कि नहीं अभी तुमको नॉट बेटी हो गई। बोले नहीं बेटिया तो शादी करके अपना ससुर घर चली जाएगी, अभी मेरे पास नौकर रहेगा। भगवान बोल रहे थे ना बेटे बन करके आएंगे। फिर देवती ने जब सेवा की भगवान कृपा करके कि बेटे बन करके आए जिनका नाम था श्री कपिल भगवान। बोले श्री कपिल भगवान की जय। अभी घर में नौ बेटी, घर में अगर बेटियां आई तो पहला क्या करते थे? बेटियों को पहले शादी दिला, सबसे पहला कर्तव्य यही बनता है। लेकिन आप लोगों ने बेटियों को शादी दिए हो? हाथ उठाओ तो किसने किसने अपना अपना बेटियों को शादी दी? हाथ उठाओ तो आप देखना जब एक बेटी शादी देती है ना देखना घर खाली हो जाती है दहेज दे करके, है ना। लेकिन जिनके पास में नौ नौ बेटी है आप बताओ नौ बेटियों को शादी करने के लिए कितने पैसा की दहेज की जरूरत है। लेकिन शिक्षा देते हैं अगर कोई भगवान की भक्ति करता है भगवान की भजन करते है ना ठाकुर जी सारे व्यवस्था ठाकुर जी कर लेते हैं। इसलिए कहते ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा। अभी पानी कोई क्यों मत दिया करो, बीच में पानी नहीं देनी चाहिए, तुम लोग देती जाते रहे हो इसलिए बीच में पानी मत दिया करो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं देखो जब परिकेत महाराज कथा सुन रहे थे ना उन्होंने 7 दिन तक पानी नहीं दिया, अब तुम तो 2 घंटा बैठ रहे हो इसलिए पानी पानी एकदम मत पिया करो। नहीं होता है बोले सिर्फ पानी पियो लेकिन जब कीर्तन होगा तब पानी कथा को बीच में नहीं लेकिन कथा में डिस्टर्ब होता है। इसलिए उन्होंने कर्तव्य ऋषि देखो कहते करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। जब आप भगवान की भक्ति करोगे ना बच्चों को शादी देने के लिए कोई चिंता मत करो। नरसिंह भगत का नाम सुने होंगे, ठाकुर जी स्वयं सांवरिया सेठ बन करके पिता तो भजन करते थे बेटी को कौन शादी कराएगा, ठाकुर जी स्वयं शादी कराने जाते हैं। और ऐसे उन्होंने सोने की ईट हीरे की जवाहर मोहर ऐसे बरसात हुई ना जहाँ शादी हो रही थी उसने पर्चा बनाया था अगर मेरे बेटी को बेटे को शादी करूंगा तो दहेज में ये लगेगा है। ठाकुर जी स्वयं गए, ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण पहुंच गए
क्योंकि इसकी पिता भजन करता था दिन भर, तो भजन करेगा तो बेटी को कौन शादी कर, शादी कौन करवाएगा, ठाकुर का तो मैं करवाऊंगा, क्योंकि जो मेरे भजन करते हैं उसका चिंता मेरे ऊपर आ जाती है। ए, क्या उन्होंने दहेज दिए, बड़े बड़े सेठ साहूकार भी शादी नहीं करा सकते हैं। इसलिए एक समय ब्रह्मा जी अपना 9 बेटियों को साथ में आए और इनकी 9 बेटी 9 बेटे बोले जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, शुभम शीघ्र शुभ कर दे भैया जल्दी जल्दी कर दो। बस 9 बेटी पूरा विदाई हो गए, घर में रह गए 3 पिता माता और बेटे। अब कर्तव्य ऋषि बोले थे तब तक रहूंगा तब तक बच्चे नहीं हो जाए, बेटियों की शादी हो गई, अभी कर्तव्य ऋषि भी भजन करने के लिए कर्तव्य ऋषि भी चले गए। तो यहाँ प्रश्न करते हैं बोले भैया तुम भगवान के भजन करने जा रहे हो लेकिन घर में तो तेरी भगवान ही बेटे बन कर गए, जब घर में तुम्हारी बेटे ही फिर भक्ति करने के लिए फिर किसकी भक्ति करने के लिए जा रहे हो। देखो यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा दी बोले जब तक हम भगवान की साधन नहीं करेंगे तपस्या नहीं करेंगे ना भगवान मिलने वाले नहीं, अगर बगैर भजन के भगवान भी मिल गए तुम्हारी कोई भी लाभ नहीं होगा। अब बताओ रावण ने राम को दर्शन किया था कि नहीं, बोलो दर्शन किया था कि नहीं, किया था ना, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन ना हुआ, वो तो राम के साथ में युद्ध किया। मेघनाद राम लक्ष्मण को देखा कि नहीं, रावण ने देखे होंगे, उन्होंने लक्ष्मण को पर शक्तिशैल की प्रहार की और राम लक्ष्मण को पर उसने हैं राम नाग हास में बांध दिया, रामायण ने देखे होंगे। तो फिर राम लक्ष्मण देखकर क्या हुआ, भगवान को मारने के लिए कोशिश किया। आप बताओ कंस ने कृष्ण को देखा, जिंदगी भर कृष्ण को मारने के लिए कोशिश की, जिंदगी भर कृष्ण खड़े हुए शिशुपाल एक ऊपर एक 101 गाली निकाला ठाकुर जी को, भैया ठाकुर को देख कर कल्याण क्यों नहीं होगी। ये चीज सिखा देते हैं अगर हृदय में भक्ति तुम्हारी नहीं, अगर भगवान तुम्हें दर्शन भी दे दिया कोई लाभ होने वाले तुम्हारी नहीं। देखो यहाँ पर ठाकुर जी बैठे ही नहीं थे ना, गोपाल जी बैठे हुए, हम ठाकुर को दर्शन कर रहे लेकिन हमारी मंगल भी हो रही, क्यों, हृदय में भक्ति नहीं। अगर हृदय में तुम्हारी भक्ति आ गई ना फिर तुम्हें ठाकुर के पास में जाने का जरूरत नहीं, ठाकुर स्वयं तेरे पास में आए। ऐसे ध्रुव जी ने जब तपस्या की, ध्रुव ने भगवान को दर्शन के लिए नहीं गए थे लेकिन केवल उन्होंने प्रभु की भजन की, लेकिन भजन में इतने शक्ति है, ठाकुर जी जब वैकुंठ से आ रहे थे जैसे कोई व्यक्ति यात्रा देखने के लिए जैसे सज धज करके जाए, जब वैकुंठ से ठाकुर जी आ रहे थे बड़े सुंदर सज धज करके, वैकुंठ वासियों ने पूछा प्रभु कहाँ इतने सुंदर सज धज करके जा रहे हो, ठाकुर जी कह रहे हैं ध्रुव जी को दर्शन करने के लिए, क्या करने के लिए, दर्शन देने के लिए नहीं, ठाकुर जी को दर्शन भक्तों को दर्शन करने के लिए भगवान वैकुंठ से आए। इसलिए प्रेम का 2 लक्षण बताया बोले सांद्र नादा विशेष आत्मा श्री कृष्ण कर्षण चसा, अगर तुम्हारी हृदय में प्रेम प्रकट हो गया प्रभु की भक्ति हो गया ना, जैसे दूध को गर्म करते करते राबड़ी बन जाती है, राबड़ी खाए हो, कौन कौन राबड़ी खाए हो, सब खाए, राबड़ी कितने स्वाद लगता है, जब हृदय में भक्ति आएगा ना कितने बड़े स्वाद लगेगा, बड़ा आनंद मिलेगा। और श्री कृष्ण कर्षण चसा मतलब वो भक्ति में इतने शक्ति है, ये भगवान को जोर जबरदस्त खींच कर ले आते हैं अगर तुम्हारी हृदय में अगर प्रेम प्रकट हो जाएगा। इसलिए हमारी जो प्रयोजन है ना प्रेम प्रयोजन है। बड़े श्री वृंदावन बिहारी लाल की, अभी वो भजन के लिए चले गए, घर में 2 व्यक्ति माँ और बेटा, लेकिन माँ को पता मेरे जो बेटा ये भगवान। एक दिन माँ आकर के बेटे को सामने हाथ जोड़ करके बोले बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाती हूँ, हमारी मन बड़ा चंचल है, कभी पियर में कभी ससुर घर में कभी बेटे में कभी बेटी में, देखना पुरुष लोग क्या करते हैं, पैसा कमा करके ले आते हैं किसका हाथ में पकड़वा देते हैं, बोलो किसका हाथ में पुरुष लोग पैसा देते, स्त्रियों को ऊपर में, घर का सारे काम काज को कौन संभालती है, कौन संभालती है, माताएं संभालती है। इसलिए पुरुषों को जितने चिंता देखना संसार किसने ज्यादा किसका चिंता है, स्त्रियों का ज्यादा चिंता है, हैं? इसलिए कहते मैं स्त्री जाती मन बड़ा चंचल है, बेटा बताओ मेरे कल्याण कैसे होगा। तब भगवान ने अपना माँ को उपलक्ष्य करते हुए उन्होंने हम लोगों को बड़े ज्ञान की बात बताई,
आप लोग भी ध्यान देकर सुनो। बोले बोले माँ, ये जो मन है ये मन ही मुक्ति का कारण है और यही मन ही बंधन का कारण है। जब तुम इसी मन को तुम भगवान के चरण में लगा दोगे ये मुक्ति की कारण बनेगी, जब इसी मन को विषय में लगाओगे फिर ये बंधन का कारण बनेगा। इसलिए हे माँ ये मन को मनमोहन में लगा। बोले बेटा तुमने बता दिया भगवान के चरण में लगाओ, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो? मन तो बड़ा चंचल है बेटा, क्या करे? तब भगवान ने कहा मैया एक सरल उपाय है। बोले संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनी, अच्छी बनी बन गई मेरा
जैसे संघ को रगड़ना धीरे 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 उसका रंग भी अपने आप तुम्हारे पर चढ़ने लग जाए। अगर किस कुछ दिन आप शराब के साथ करो फिर क्या करना शुरू कर दो, शराब पीना शुरू कर दो। कुछ दिन जुआरी को साथ में रहो, जुआ खेलना शुरू कर दो। कुछ दिन चोर को साथ में रहो, क्या करना तो कर दो, वो चोरी करना शुरू कर दोगे। कुछ दिन संतों को साथ में रहो, क्या करोगे, भगवान भजन करना शुरू कर दोगे, भगवान का नाम जप करना, प्रभु को पूजा सेवा करना शुरू कर दे। इसलिए बोले माँ तू संतों की संग करो, इसी से तुम्हारी कल्याण हो जाएगी। बोले सत्संग में किया होगा, बोले सतांग प्रसंगात्मम वीर्य संविदो भवति हृत्कर्ण रसायन कथा ताजो सना आसु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारति भक्ति अनुप्रविशति। बोले माँ जब तुम संतों का संग करोगे धीरे 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 उनकी संग के प्रभाव से क्या होगा, भगवान की कथा सुनते सुनते धीरे धीरे तुम्हारी मन ठाकुर जी की चरण में लगने लग जाएगी। और साधु संग से क्या होगा, बोले अपवर्ग वर्तमनि, जैसे प वर्ग मतलब होता है प ध और म, कभी इसको कहते हैं प वर्ग। प मतलब परिश्रम, बोले फ मतलब फे, ब मतलब व्यर्थता, भ मतलब भय, मा मतलब मृत्यु। अगर तुम संतों की संग करोगे माँ क्या होगा, धीरे धीरे जो पांच चीज है ना तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। पांच अभी कुछ को माला देने का जरूरत नहीं, भागवत चढ़ा दो तुम चुपचाप बैठा, चुपचाप बैठे कथा में डिस्टर्ब हो जाए वही बैठ जाए, जो कीर्तन होता है उस समय देनी चाहिए बैठ जाए। इसलिए बोले माँ तुम भगवान के भक्तों का संग करो। इतने में मैया कहती है, बोले बेटा तू कहते है तो भक्तों का संग करो, लेकिन ये भक्तों का कुछ लक्षण भी तो होनी चाहिए। ऐसे नहीं भक्तों का चोला देख करके, बड़े बड़े तिलक कंठी देख करके हम भक्तों का इसको ही भक्त मान बैठे। इसलिए भक्तों को पहचानना बड़ा सख्त भी है। रामायण देखे होंगे ना, जब हनुमान जी वो जड़ी बूटी लेने जा रहे थे, बीच में काल ने भी साधु बन करके आ गया। रामायण देखे कि नहीं, कौन कौन देखे रामायण, वो काल ने भी क्या किया, एक साधु का रूप धारण करते हुए बैठ गया और हनुमान को भी उन्होंने मोहित कर दिया। हनुमान जी ने सोचा शायद कोई मेरे गुरु भाई है, लेकिन वहीं पर उतर करके आ गए और उसने क्या किया, मेरे को सब कुछ पता है, लक्ष्मण का शक्ति से हुआ है, तेरे को एक वैद्य ने गंधमाधर पर्वत में भेजा, विशल कल्याण ने तो बड़ा साधु सब जानता है, वो सब जानता है रावण तो उसको भेजा, बोले जा तो स्नान करके तेरे को मेरे गुरु दिखा दूंगा। लेकिन जब स्नान करने के लिए मगरमच्छ पकड़ा, जब मगरमच्छ को मारा उसने बड़ी सुंदरी गंधर्वी रूप धारण किया, सारी बात बता दिया। बोले हनुमान सावधान, वो बीच में जो साधु है ना वो काल में भी राक्षस, रावण ने उसको भेजा है साहब, उससे सावधान रहना। इसलिए हनुमान ने क्या किया, खैर उनको तो मारा है। इसलिए यहाँ कहते भैया संतों का तो भी कुछ लक्षण होनी चाहिए, कुछ लक्षण बता दो। तब भगवान खुद संतों की लक्षण कहते हैं,
अजात सत्र वसंता साधु भी साधु भूषण। बोले माँ संतों का पहला गुण है तितिक्षव। तितिक्षव मतलब सान सखी। ध्यान देकर सुनाई दर ये मतलब जो जो संतों की लक्षण कह रहे हैं, जो केवल ये भगवा कपड़ा पहन लिया गौरव केवल वही साधु नहीं। कहते जो घर में आप लोग जैसे घर में रहते हो, भजन कहता हूँ, जो जहां पर रह करके जितने प्रभु की भक्ति कर रहे हैं ना, वो उतना ही साधु है। अगर हम घर में रह करके अगर प्रभु की भक्ति करते हैं, ये मत समझा हम साधु नहीं। नहीं, भागवत पढ़ करके देखो, महाप्रभु का चरित्र को देखो, उनके ज्यादा भक्त तो गृहस्थ ही थे घर में। इसलिए कहते गृहवा बने के था तो सदा हरि बोली डाको। वो घर में रहे नहीं तो बन में रहे, कहीं भी रहे, जो जितने ठाकुर जी को भक्ति कर रहे हैं उतना ही बड़ा संत है। इसलिए देखो अगर हमें भक्ति करना, ध्यान देकर सुनो, पहला गुण क्या होनी चाहिए? बोले सहन शक्ति। जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे। इसलिए सहन शक्ति मेन वस्तु है, सहन शक्ति। इसलिए सहन करना सीखो। अगर थोड़ी थोड़ी बात में मचल जाती है, क्रोध आती है, मुंह में जो बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हो, घर में शांति रहेगा? घर में भी महाभारत होना शुरू हो जाए। घर में भी ये महाभारत क्यों हुआ बताए? केवल द्रौपदी इतनी सी बोल दी थी, अंधा का बेटा अंधा। इसलिए गुरु जी कहते थे हर चीज में हड्डी है, अंगुल में हड्डी देखना सीधा हो जाती है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाती है, कमर में हड्डी सीधा हो जाती है, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं। किसमें हड्डी नहीं? बोलो जोर से, जीवा में हड्डी नहीं। इसलिए वो जीवा ना लपर 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 कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, चुप नहीं रहता है ये हैं। इसलिए केवल उसने बोल दिया अंधा का बेटा अंधा, बस महाभारत हो गया। देखना हमारे घर में भी कभी कभी महाभारत हो जाती है, हमारे घर में भी महाभारत हो जाती है। कब? अगर थोड़ी सी जीवा तुम्हारी स्लीप हो गई, थोड़ी सी स्लीप हो गई ना, देखना हमारे घर में भी महाभारत होना शुरू हो जाती है। इसलिए जीवा को कंट्रोल करनी चाहिए, क्रोध हो कंट्रोल करनी चाहिए। ऐसे नहीं क्रोध में जो कुछ आए हमने सो कुछ बोलना शुरू कर दे, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं साधु का ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या? बोले कारुणिक। संत बड़े दयालु होते हैं। बोले अजात शत्रव, संतों का कोई शत्रु नहीं होते। वसुधैव कुटुंबकम, सबको समझते हैं, हम एक ही पिता के हम सब संतान हैं। हैं? इसलिए उनने संतों की बड़ी बड़ी लक्षण बताई संतों की, लेकिन इस संतों की एक विशेष लक्षण बताया। आप लोगों भी ध्यान देकर सुनो क्या विशेष लक्षण है। बोले मई अनन्य भावेना भक्ति कुर्बन्ति जतिना। कर जो मेरे एकाग्र उनको माता से फल ले लो प्राप्त हो गई। इसलिए कहते हैं मेरी जो एकांत की जो भक्त होते हैं वो के उनका लक्षण क्या है, आप लोग भी ध्यान देकर सुनो। इसे इधर देखो सबके सब, भगवान खुद कहते हैं मेरे जो प्यारे भक्तों का क्या लक्षण है कि जो भक्ति है ना, देखो एक चीज सीख कर दिया, जो भक्ति बहुनिष्ठ नहीं भक्ति होनी चाहिए, एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए। आज इसी देवता को पूजा किया, कल उसी देवता को पूजा किया, चौदह दिन उसी देवता को पूजा किया, नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए। इसलिए एकनिष्ठ होकर मीरा किसको भजने करती थी? कहते ना मेरे तो गिरिधर गोपाला, बोलो उसको बात है दूसरा न बोले। तुलसीदास किसको पूजा करते थे? राम को। हनुमान जी किसको भक्ति करते थे? राम को। सूरदास किसको भक्ति करते थे? कृष्ण को। गोपियां किसको भक्ति करती थी? कन्हैया को। आप देखोगे ना एक एक को एकनिष्ठ होकर के भक्ति करते थे तभी उनकी सिद्धि हुई। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, सोमवार होगा श्री भोले बाबा का मंदिर में जाएंगे, खूब दूध पानी चढ़ाएंगे और बम बम करके बोलेंगे, बोले भोले बाबा तन मन धन तेरे चरण को, तू ही हमारा सब कुछ लाज बचाना, हे हनुमान हे भोले बाबा तुम हम सब कुछ। लेकिन जब मंगलवार आएगा ना शंकर जी का दर्शन देखेंगे, वो सीधा हनुमान जी के पास में जाएंगे और जो बात भोले बाबा को कह रहे हैं देखना वही बात श्री
श्री किसको कहे, हनुमान जी को कहेंगे। शंकर जी देखेंगे ये तो कल मेरे पास में आया था, ये बोल रहा था तन मन धन तेरे चरण में तू लाज बचाना, आज तो मेरे तरफ में देखा भी नहीं, तो सीधा हनुमान के पास में वही। लेकिन जब बुधवार होगा ना कहाँ जाओगे, फिर गणेश जी को पास में, फिर बृहस्पति बार होगा। भैया ये सब धोखे देने वाला है क्या, वो नहीं समझते ये चीज को? नहीं, कहते ऐसे एक देवता कितना हमारे भारत में कितना देवता है, 33 करोड़ देवता। दिन में अगर 1 करोड़ देवता की पूजा करोगे ना, 30 दिन में कितना हो गया, 30 करोड़, और 3 करोड़ बाकी रह गया ना। कहना एक को मनाओ तो दूसरे मुंह बुलाकर बैठ जाता है, तीसरे को मनाओ तो चौथा मुंह बुलाकर बैठ जाएगी। लेकिन यहाँ ठाकुर जी कहते हैं ऐसे कौन एक देवता है जो एक देवता को पूजा करोगे ये 33 करोड़ देवता पूजा हो जाएंगे। यदि वो कौन है, बोले श्री कृष्ण वाक्य दिया है। आप लोग महाभारत देखे होंगे जब अर्जुन को भगवान अपना विराट रूप दिखाया, बोले हे अर्जुन तू मेरे को देख, जिसको तुम भोले बाबा कहते हो भोले बाबा मेरे लिए, जिसको तू हनुमान कहते हो हनुमान मेरे लिए, जिसको माँ देवी कहते देखो देवी मेरे में, जिसको तुम गणेश कहते देखो गणेश मेरे में, जो इंद्र चंद्र वायु वरुण 33 करोड़ देवता देख अर्जुन मेरे अंदर में। इसलिए कृष्ण कहते हैं मत परतरम नान्यत किंचित् धनंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके दुनिया में और कुछ है नहीं, विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में विद्यमान। इसलिए कृष्ण लास्ट में क्या कहते हैं, हे अर्जुन तू सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जा। अर्जुन कहता है इतना दिन तक मैंने जो ये अलग अलग देवता को पूजा किया, फिर तो पाप नहीं लगेगा आपने, हम सब छोड़ कर मेरे शरण में आ जा। देखो कृष्ण क्या कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापे बक्षसामि, हे अर्जुन तू कोई चिंता मत करो, सारे पाप से मैं तेरे को मुक्ति दिला दूंगा। मां सोचो कोई चिंता मत कर, क्यों, मेरे अंदर में विश्व ब्रह्मांड है। जैसे हमारे भारत का प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है, बोलो कौन है, मोदी, ये प्राइम मिनिस्टर। देखना मोदी ने ही किसको रेल मंत्री बना दिया, किसको वायु मंत्री, किसको अग्नि मंत्री, किसको वित्त मंत्री, किसने बनाया, सब पोस्ट किसने दिया, ये मोदी ने ही सबको एक एक पोस्ट दिया। अगर कोई मोदी को सर्व में आ जाए सबके सब अनुकूल हो जाएगी, क्यों, मोदी ने ही दी। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन मैं नहीं, ये एक एक देवता को, शंकर जी को एक पोस्ट दे दिया, हनुमान जी को एक पोस्ट दे दिया, माता जी को और पोस्ट दे दिया, गणेश जी को मैंने, इसको अलग अलग मैंने नौकरी दे करके रखा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कृष्ण शरण में आ जाए, इसलिए हिंदी में कहा बताए, जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई, जिसको ऊपर में हरि की कृपा हो जाती है इसको ऊपर सबके सब कृपा कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान खुद कहते हैं मेरे जो एकनिष्ठ भक्त है और मेरे शरण में ही आते हैं, मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्वन्ती, वो एकांत रूप में मेरे शरण में आते और कहीं नहीं जाते। लेकिन अगर जाओगे तो मन तो 10 में से है नहीं ना, मन तो 1 है, ये मन को तो जिसको दोगे एक तो को दे सकते हो, सबको तो नहीं दे सकते हो, लेकिन सबको सम्मान दो, किसी देवादेवी को कभी असन्मान नहीं करनी चाहिए, सबको सम्मान दो। लेकिन हृदय में किसको बैठाओ, ठाकुर जी को, कृष्ण को हृदय में बैठाओ। जैसे घर में एक लड़की देखना शादी होकर आती है, उसका देवर है, जेठ है, ननद है, लेकिन सबको सम्मान देती है, लेकिन हृदय में किसको बैठा कर रखती है, बोलो हृदय में किसको बैठाते हो, अरे बोलो हृदय में किसको बैठाते हो। अगर किसको परिवार में किसको आप लड़ाई हो जाए, किसको लेकर अलग हो जाते हो, पति को लेकर। इसलिए हमारी परम पति कौन है, भगवान श्री वाक्य बिहारी। हृदय में केवल उन्हीं को स्थान दो, हृदय में और किसको स्थान नहीं देनी चाहिए। बस ये वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भगवान मैया को बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान की बात बता करके, भले मैया भले ही किसी कुल में जन्म क्यों नहीं हो, चंडाल कुल में क्यों जन्म नहीं हो, लेकिन मेरे जो भजन करते वो श्रेष्ठ है। लेकिन ब्राह्मण का अगर द्वादश गुण विशिष्ट ब्राह्मण हो, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, कहते दूसरों को क्या कल्याण करेगा, अपना कल्याण नहीं कर सकता। लेकिन चंडाल क्यों नहीं हो जो मेरी भक्ति करते हैं, खुद तो कल्याण करेगा ही और उसने 21 पीढ़ी को उद्धार कर लेते हैं। इसलिए माँ ये मन को तुम मनमत में लगा दो,
भगवान के चरण में लगा दो, संतों के संग करो, इससे तुम्हारी कल्याण हो जाएगी। इसलिए मैया को बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी ज्ञान की बात बताई। ठाकुर जी चले गए गंगा सागर में। साल में एक बार ठाकुर को दर्शन होता है। कब दर्शन होता है? कहते मकर संक्रांति का दिन। कहते पानी को अपने आप नीचे आ जाते, मंदिर नीचे आ जाती है। साल में ठाकुर जी एक बार मकर संक्रांति के दिन ठाकुर दर्शन देते हैं। बोले श्री कपिल भगवान की जय। जय श्री राधे। कृष्णदास प्रभु जी, कृष्णदास प्रभु जी इधर आ जाओ। एक मिनट कीर्तन कर दो। श्यामानंद प्रभु आप बामन देव का कथा सुना देना। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय राधा रानी की जय महारानी को जय राधा रानी की जय महारानी की जय गिरिधारी की जय वनमाली की जय गिरिधारी की जय वनमाली की जय बुद्ध बिहारी विशेष बात क्यों है? क्योंकि जगत में और भी भागवत है, जैसे देवी भागवत, तो लोग सोचते हैं ये भागवत है वास्तविक जिसको अमर पुराण कहा गया है। इसलिए अन्य अन्य पुराणों में पहले ही श्रीमद् भागवत के लक्षण बता दिए कि देखो जिसमें ये वर्णन है, ग्रंथों अष्टादश सहस्रो 18,000 श्लोक है, द्वादश स्कंद समन्वित 12 स्कंद है, किंतु आश्चर्य की बात है कि देवी भागवत में भी 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक भी हैं। फिर कैसे पता चलेगा?
कि वास्तविक भागवत कौन सी है, अमल पुराण कौन सा है, तब अगली लाइन में बता रहे हैं हयग्रीव ब्रह्म विद्या यत्र। ये हयग्रीव ब्रह्म विद्या क्या है, ये नारायण कवच है, ये देवी भागवत में नहीं। इसलिए अमल पुराण श्रीमद भागवतम और वृत्र वदस्तता और वित्रासुद के वध का प्रसंग है। जब सोचो कि जो श्रीमद् भागवत के पहचान के रूप में वृत्रासुर के वध की बात बताई है उसकी कितनी महिमा होगी। एक समय इंद्र अपने ऐश्वर्य के मद में मतवाले होकर के स्वर्ग में बैठे हुए थे, अप्सराओं का नृत्य गान चल रहा था। उसी समय श्री देवगुरु बृहस्पति जी सभा में उपस्थित हुए, किंतु इंद्र अपने मद में मत होकर के उठे ही नहीं अपने आसन से। गुरु जी आए हैं किंतु बैठे ही रहे, कुछ उनका अभिवादन भी नहीं किया। शास्त्र के अनुसार ये बड़ा घोर अपराध है। श्रीमद् भागवत में भी इस प्रसंग का वर्णन आता है। जो रोमहर्षण सूत थे, जो पुराण वक्ता थे, वो पुराणों का पाठ कर रहे थे। श्री बलदेव प्रभु वहां पर उपस्थित हुए, स्वयं भगवान है बलदेव प्रभु, उनके उपस्थित होने पर भी वो अपने आसन पर बैठे ही रहे। बलदेव प्रभु ने जगत को शिक्षा देने के लिए उनका वध कर दिया कि देखो जो गुरुजनों की इस प्रकार से सम्मान नहीं करता है उसको दंड मिलना चाहिए, इतना भारी दंड, और ये दंड भी कुछ नहीं है। भागवत में तो बताया आयु श्रिय यशो धर्मम लोकान आशीष एव च हंत श्रेयांश सर्वाणी उनसो महद अतिक्रम। अगर महद व्यक्ति का अतिक्रम हो जाए अर्थात उनके चरणों में अपराध हो जाए तो ये पांच चीजें चार चीजें सब की सब एक साथ नष्ट हो जाती है। आयु इसका उदाहरण भी मिलता है। जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान कर दिया, अभी प्रजापतियों की उम्र इंद्र से भी अधिक होती है, वो उनके ऊपर भूभुआ स्वर्ग उसके ऊपर महर लोक होता है, वहां पर प्रजापति रहते हैं, उनकी शक्तियां इंद्र से भी अधिक है। इसलिए जब प्रजापति आते हैं तो इंद्र भी खड़े हो जाते हैं, इतनी उनकी शक्ति, इतनी उनकी उम्र, और शिवजी के चरणों में अपराध करने के कारण वीरभद्र आए और साथ ही साथ गला काट करके कुंड में डाल दिया, आयु खत्म। श्री जितना भी ऐश्वर्य संपत्ति शोभा जो कुछ भी है वो सब नष्ट हो जाती है। अभी इंद्र का वर्णन आएगा, स्वर्ग से हाथ धोना पड़ा। यश जितनी ख्याति फैली हुई है वो सब की सब नष्ट हो जाती है। धर्म जितने पुण्य के काम किए, देखो दक्ष प्रजापति की कितनी ख्याति थी, बताया कि देवता भी उसको देख करके खड़े हो जाते थे। कितने धर्म के काम किए थे, कितने यज्ञ किए थे उसने, इस कारण से उनका इतना तेज था, वो सब का सब धर्म सब जीरो हो गया। और लोकान आशीष एव च, जो बड़े बड़े गुरुजनों ने आशीर्वाद प्रदान किए, माता पिता आशीर्वाद देते बच्चों के मंगल के लिए, अगर महत अतिक्रम हो गया वो सब नष्ट हो जाते। इसलिए स्वयं गुरु जी के चरणों में अपराध कर दिया इंद्र ने, इस कारण से उनको स्वर्ग से तो भ्रष्ट होना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति वहां से देख करके चले गए कि इंद्र को तो अपने ऐश्वर्य का अभिमान हो गया है। इंद्र को बाद में पश्चाताप भी हुआ और वो उनसे क्षमा मांगने के लिए जाने लगे, किंतु देवगुरु बृहस्पति ने जान लिया बड़े शक्तिशाली हैं, देवताओं के साथ साथ असुर भी उनका सम्मान करते हैं, वहां से वो अंतर्धान हुआ। अब इंद्र ढूंढ रहे हैं किंतु मिलते नहीं है। जब असुरों को पता चला कि देवताओं के गुरु बृहस्पति रुष्ट होकर के चले गए हैं तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, इंद्र और अन्य अन्य देवताओं को स्वर्ग से मार करके भगा दिया। इंद्र भगवान की शरण में गए, तब भगवान ने उनको कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग दधीची मुनि के पास में जाओ, उनसे उससे पहले विश्वरूप के पास में जाओ, जो विश्वरूप हैं वो बड़े शक्तिशाली हैं, उनको पुरोहित बनाओ और पुरोहित बना करके उनसे शक्तियां प्राप्त करो, तब जाकर के तुम इन असुरों को हरा सकते हो। तो इंद्र वहां से देवताओं के साथ में विश्वरूप के पास आया। विश्वरूप त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे और बड़े शक्तिशाली थे। विश्वरूप से आकर के बोलने लगे कि पुत्र तुम हमको हमारे लिए यज्ञ करो, हमारे पुरोहित बन जाओ।
तो विश्व रूप ने कहा ये जो पुरोहिती का काम है ना, ये तो बड़ा निंदनीय कर्म होता है। ये जगत में जो लोग सोते हैं ना, ब्राह्मण को पुरोहित बना करके यज्ञ करते हैं, देखो लोगों को ज्ञान नहीं है। एक वैष्णव होम होता है और एक कर्म कांड का होम होता है, बड़ा अंतर है दोनों में। जो कर्म कांड के जो होम यज्ञ इत्यादि होते हैं, पुरोहित का कार्य होता है, बड़ा निंदनीय कार्य होता है, क्योंकि जो उसमें यजमान होता है उसके सारे पाप पुरोहित को लेने पड़ते हैं। यहाँ तक कि जो वशिष्ठ ऋषि हैं, कितने तेजस्वी हैं, सप्त ऋषियों में से एक हैं, जब उनको भी ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम ये सूर्य वंश के पुरोहित बन जाओ, उन्होंने भी मना कर दिया, कहा था मैं पुरोहित क्यों बनूंगा, ये तो बड़ा निंदनीय कार्य है। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि देखो तुम भजन क्यों कर रहे हो, तो भगवान की प्राप्ति के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसी सूर्य वंश में ही भगवान स्वयं आविर्भूत होंगे और तुमको उनके गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तब उन्होंने सूर्य वंश की पुरोहिती का कार्य किया। तो विश्व रूप ने मना कर दिया, मैं पुरोहित का कार्य नहीं करूंगा। तब इंद्र इत्यादि ने समझाया कि देखो हम लोग तुम्हारे गुरुजन हैं और देवता हैं और जगत के कल्याण के लिए तुमको ये स्वीकार करना चाहिए। तब फिर विश्व रूप ने कहा ठीक है, मैं जगत के कल्याण के लिए इसको स्वीकार करता हूँ। और फिर उन्होंने इंद्र के लिए यज्ञ करवाया और स्वयं एक कवच की रचना की जो भगवान के नामों से पूर्ण रूप से सुरक्षित, और वो कवच के द्वारा इंद्र को सुरक्षित कर दिया। वो है नारायण कवच, जो मैंने अभी बताया था, जो भागवत के जो लक्षण हैं उनमें एक है नारायण कवच। इस नारायण कवच की बड़ी महिमा है। वो नारायण कवच इंद्र को दिया। अब जब विश्वरूप जब यज्ञ में आहुति देते हैं तो इंद्र के लिए आहुति देते हैं, अग्नि के लिए आहुति देते हैं, देवताओं के लिए आहुति देते हैं, किंतु उनकी माता जी जो थी वो असुर कुल की थी, इसलिए साथ में अपने जो असुर लोग हैं उनके लिए भी आहुति देते छुप करके। पहले तो देवताओं को पता नहीं चला, लेकिन इंद्र ने एक बार ये देख लिया। इसलिए इंद्र ने जब यज्ञ पूरा हो गया, कवच उसको मिल गया, तो बाद में विश्वरूप का वध कर दिया, उसका गला कर। देखो साधु और देवताओं में कितना अंतर होता है। देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, अपना काम बनने के बाद में अपने गुरु अपने पुरोहित का ही वध कर दिया। लेकिन साधु लोग स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों पर कृपा करते हैं। श्री हरिदास ठाकुर जी का बताया था ना कथा, कि हरिदास ठाकुर को कैसे जो यवन मार रहे हैं उनके लिए ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप इनको छोड़ दो। भगवान तो सुदर्शन लेकर के आ गए और उनका वध करना चाहते थे यवनों का, लेकिन हरिदास ठाकुर ने उनको रोक दिया। साधुओं में और देवताओं में ये अंतर है। और आगे भी जब वर्णन आएगा वृत्रासुर का और इंद्र का प्रसंग है, उसमें भी पता चलेगा कि देखो साधु के क्या लक्षण होते हैं। और देवता भले ही सात्विक हैं, लेकिन हैं तो वो बद्ध जीव ही, मुक्त जीव नहीं है वो। इसलिए जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता है। आगे आकर के देवता खुद ही स्तुति करेंगे भगवान की और कहेंगे, अपनी महिमा खुद ही बताएंगे। तो इस प्रकार से जब हो गया, तब जो उनके पिताजी थे विश्वरूप के त्वष्टा ऋषि, उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा ये इंद्र इतना दुष्ट है कि मेरे पुत्र को पुरोहित बनाया और उसके बाद में उसे अपना काम बन गया तो उसका ही गला काट दिया, इसके वध के लिए मैं यज्ञ करूंगा। त्वष्टा ऋषि ने फिर यज्ञ किया। उस यज्ञ से वृत्रासुर उत्पन्न हुए। इंद्र को मारने के लिए वृत्रासुर को उन्होंने उत्पन्न किया यज्ञ से। अब जब वृत्रासुर उत्पन्न हुए, उत्पन्न होने के साथ ही साथ बढ़ने लगे, इतना आकाश को छूने लगे, बड़ा भयंकर विकराल शरीर, लाल लाल आंखें, हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल, और सीधे जो देवता थे उनको युद्ध करने के लिए ललकारने लगे। सारे असुरों को इकट्ठा करके देवताओं से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। अब वहां पर जाकर के जो असुर थे उन्होंने देवताओं को हरा दिया। जब हरा दिया तो फिर इंद्र और देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे, ब्रह्मा जी के पास गए। वहां भगवान की स्तुति की तो भगवान ने कहा कि देखो तुम दधीचि ऋषि के पास जाओ, उनके पास भी नारायण कवच है। वो नारायण कवच दधीचि मुनि से ही त्वष्टा ऋषि को और उनसे विश्वरूप को प्राप्त हुआ था, इसलिए तुम उनके पास में जाओ और उनसे उनकी अस्थियां मांगो। जो साधु लोग होते हैं, ऋषि मुनि लोग होते हैं, ये बड़े दयालु होते हैं,
जगत के कल्याण के लिए अपना शरीर भी दे सके। तो इंद्र फिर आए दधीचि मुनि के पास और वहां पर उनसे अस्थियां मांगी उनकी। तो दधीचि मुनि ने अपने योग बल से शरीर को छोड़ दिया और अस्थियां उनको प्रदान कर दी। उन अस्थियों के द्वारा इंद्र ने वज्र बनाया, जो अस्त्र हम लोग सुनते ना, इंद्र के पास में वज्र है, वो दधीचि मुनि के अस्थियों से बना हुआ है, क्योंकि उसमें भगवान का भी तेज है और दधीचि मुनि की अपनी तपस्या का बल भी है, इसलिए वो वज्र है, बड़ा शक्तिशाली। उसको लेकर के जब युद्ध भूमि में इंद्र आए तो वज्र के प्रभाव से सारे असुरों को इंद्र ने मार दिया। सारे असुर भाग गए, डर के मारे भय से कांपने लगे, दौड़ करके भाग रहे थे। उसी समय वृत्रासुर बड़े सुंदर सुंदर बातें बोलते, कहते हैं, अरे असुरो, भगवान को प्राप्त करने के लिए अथवा अच्छी मृत्यु दो ही प्रकार से बताई जाती है। दो प्रकार से इस जगत में अच्छी मृत्यु कही गई। एक तो क्या है, युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए शास्त्रों में बड़ा उत्तम बताया गया, और दूसरी मृत्यु है जो भगवान का भजन करते हैं वो अपने योग बल के द्वारा अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ देते, भगवान के धाम को चले जाते हैं, ये बड़ी उत्तम मृत्यु है। तो वृत्रासुर उनको ललकार रहे, असुरों को, अरे मूर्खो, तुम इतनी सुंदर मृत्यु को छोड़ करके कहां दौड़े जा रहे हो, मृत्यु तो तुमको फिर भी प्राप्त होगी, इसलिए अभी मिल रही है, वीर गति को प्राप्त होने का समय है, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त, कायरों की भांति मरने से क्या लाभ। वृत्रासुर ऐसे कह रहे हैं किंतु असुर तो रुके ही नहीं। तब वृत्रासुर को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने बस सीधे इंद्र के ऊपर ही आक्रमण कर दिया, और इंद्र ने जो गदा फेंकी वृत्रासुर के ऊपर, वृत्रासुर ने एक हाथ से वो गदा को लपक करके और वही गदा ऐरावत के ऊपर मार दिया। ऐरावत के ऊपर मारते ही वो गदा ऐरावत के मुंह से खून की उल्टियां निकलने लगी, भूमि पर मूर्छित होकर के गिर पड़ा। और इंद्र भी जब वो हाथी पर बैठे हुए, जब ऐरावत हाथी ही गिर पड़ा तो इंद्र भी गिर पड़े। अब ऐरावत कहीं पड़े हैं, इंद्र कहीं पड़े हैं, और वृत्रासुर सामने से देख रहे हैं और इंद्र को ललकारते हुए कह रहे हैं, अरे उठो, इस तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, युद्ध भूमि में जीत और पराजय तो मिलती ही रहती है, जो भगवान गीता में उपदेश दे रहे हैं ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युद्धाय युज्यते नैवं पापं अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सबको छोड़ करके तुम युद्ध करो, इससे तुमको पाप नहीं लगेगा, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जय पराजय तो अपने हाथ में है ही नहीं। फिर वृत्रासुर कहते हैं, अरे भगवान नारायण के अतिरिक्त तो ऐसा कौन सा दूसरा व्यक्ति है जो कि कभी युद्ध में पराजित न हुआ, केवल बात वही अजीत है, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, इसके अतिरिक्त सभी ने कभी ना कभी पराजय का स्वाद तो चखा ही है। भागवत में भी वर्णन आता है, शिव जी स्वयं जब उन्होंने बाणासुर की रचा की थी तो भगवान ने उनको भी मूर्छित कर दिया। तो सभी ने पराजय का स्वाद चखा है, इसलिए इंद्र तुम डरो मत और मुझसे युद्ध करो। और फिर उसके बाद में जो वृत्रासुर हैं वो फिर, जब वृत्रासुर इस प्रकार से बोल रहे थे उसी समय इंद्र को थोड़ा अवसर मिला, उन्होंने अपने वरद हस्त से हाथी के सिर पर हाथ रखा तो वो ठीक हो गया, फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ हुआ, इंद्र ने फिर से वृत्रासुर का एक हाथ काट दिया, उन्होंने जो त्रिशूल फेंका था वो त्रिशूल भी काट दिया चमचमाता हुआ। इस प्रकार से जब किया तो फिर जो वृत्रासुर है उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सीधे इंद्र के ऊपर आक्रमण किया। इंद्र के हाथ से ही वज्र गिर गया, इंद्र जमीन पर पड़े हुए, हाथ में वज्र भी नहीं है, हाथी तो कहीं नहीं है, इस प्रकार की अवस्था हो गई। तब वृत्रासुर इतनी सुंदर सुंदर बातें बोल रहे हैं, ऐसा युद्ध भूमि का स्थान है, देखो भगवान के भक्तों की महिमा देखो कैसी होती है, ऐसा युद्ध भूमि का स्थान जहाँ तमोगुण प्रधान, क्रोध क्या है, तमोगुण है, बिना क्रोध के युद्ध कर ही नहीं सकते, क्रोध तो जरूरी होता है युद्ध में। अब ऐसे युद्ध भूमि में एक हाथ भी कटा हुआ है, खून निकल रहा है और सामने शत्रु पड़ा हुआ है, हारा हुआ शत्रु, और उस समय फिर वृत्रासुर कह रहे हैं कि देखो इंद्र, जो आत्मधर्म व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है वो ये कभी भी जय पराजय के विषय में कभी नहीं सोचता, और कहते हैं कि तुम ये अपना वज्र उठाओ, भयभीत क्यों होते हो और इससे मेरा वध कर दो,
क्योंकि मैं इस शरीर को और धारण नहीं करना चाहता। तो इंद्र भी बड़े आश्चर्य में है कि कैसी युद्ध भूमि में ये कैसी भक्ति की बातें कर रहे हैं, आत्मधर्म की बातें करने लगे। और फिर वहां पर उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की स्तुतियां की, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदास भवितास में भूय मना स्मरित आशुपतेर गुणास्ते गणित वाक कर्म करोति गायक। कह रहे प्रभु अहम हरे तव पादैक मूल, मैं आपके चरण कमलों के दास का दास का दास बनना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ मना स्मरित आशुपतेर गुणास्ते, मेरा मन आपके गुण का कीर्तन में लगा रहे। गणित वाक कर्म करो तिकाया, और जो मेरी वाणी है वो सदैव आपके नामों का उच्चारण करता रहे। कभी सुना युद्ध स्थल में ऐसी बातें, सामने शत्रु वो भी कौन सा, इंद्र, देवराज इंद्र वज्र के साथ में जमीन पर पड़े हुए, और वित्रासुर कैसी भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं, ऐसा कभी चरित्र सुना? ये साधुओं का चरित्र है, देखने में तो वित्रासुर असुर है, लेकिन एक साधु होकर के असुर कैसे बने इसकी कथा फिर आगे आएगी। इस प्रकार से उन्होंने बोला और वाक कर्म करो दिखाया, मैं अपनी शरीर के द्वारा आपकी सेवा करता रहूं और आपके चरणों के दासों का दास बन जाऊं। फिर दूसरा श्लोक बोला उन्होंने, न नाग पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजस तो विरह कांच। कि देखो इंद्र किसके लिए लड़ रहा है, इंद्र केवल मात्र स्वर्ग के लिए लड़ रहा है, लेकिन वृत्रासुर कह रहे हैं कि प्रभु अगर आप मुझसे प्रसन्न हो गए तो आप मुझे कह रहे कि ये स्वर्ग का राज्य ले लो, मैं अभी तुमको इंद्र से छीन करके तुमको दे देता हूँ। कह रहे नहीं चाहिए, न नाग पृष्ठम, नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग का राज्य, न पारमेष्टम, ये तो कुछ भी नहीं है, जो ब्रह्मा जी है वो इंद्र के भी अधिपति है, 14 लोगों के स्वामी है, उनका पद भी नहीं चाहिए, न सार्वभौम, सारी पृथ्वी का एक छत्र राज्य भी नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम, जो नीचे के लोग हैं उनमें भी बड़ा ऐश्वर्य है, वैभव है, वो सब भी नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं योग सिद्धियां ले लो, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते हैं, कहते हैं न योग सिद्धि, वो भी नहीं चाहिए। अब पुनर्भवम यानी कि मुक्ति जिसके लिए कामना करते हैं सभी लोग, वो मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो फिर कहते भगवान क्या चाहिए, त्वा विरह कांचे, मैं तो बस आपके विरह में अपने मन को आविष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जब भगवान का विरह होता है तो केवल मात्र भगवान का सब प्रकार से स्मरण होता है। और फिर अगला स्तुति कर रहे हैं, अजात अच्छा ये मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तरा सुधारता प्रियम प्रिय विशुतम विसन्ना मनो अरविंदाचित्व। कैसे मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, जो अभी बताया ना विरह हो जाए, विरह में क्या होगा कि मन आपके चरण रहेगा, कैसे लगा रहेगा, अजात अच्छा ये मातरम खगा, जैसे कोई पक्षी है उसने एक छोटे से घोंसले में बच्चे को जन्म दिया, अब उसकी माँ कहीं चली जाती है तो वो छोटा जो बच्चा है चिड़िया का वो चाऊ चाऊ करके पूरा मन उसका अपनी माता के ध्यान में लगा रहता है, चारों तरफ देखता रहता है मेरी माँ कब आई। उसी प्रकार से मेरा मन भी आपके चरणों में लगा रहता है। स्तम्भनम यथा वत्स तरा सुधारत, जैसे गाय बछड़ा को जन्म देती है ना जब, और वो बछड़ा सीधे जाकर के माँ से चिपक जाता है और माँ उसको कैसे चाटती है, उसी प्रकार से मेरा मन जैसे छोटा बछड़ा होता है उसका मन अपनी माँ गाय में लगा रहता है, उसी प्रकार से मेरा मन आपके चरणों में लगा रहता है। फिर तीसरा बताया, प्रियम प्रिय विशुतम विसन्ना, जो प्रियतमा प्रेमी और प्रेमिका है, अगर प्रियतम कहीं बाहर चला जाता है तो प्रियतमा जो है वो उसका मन सब समय उसी में आविष्ट रहता है। जैसे हम लोग दुष्यंत और शकुंतला की कथा सुनते हैं कि शकुंतला के सामने दुर्वासा ऋषि आकर के खड़े हो गए, किंतु उसको पता ही नहीं क्योंकि मन तो दुष्यंत में लगा हुआ था। इसी प्रकार से मेरा मन भी आपके चरणों में लगा रहे और मुझे बाह्य स्फूर्ति कुछ भी ना रहे। फिर चौथा श्लोक बोला, ममोत्तम श्लोक जनेशु सत्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मे त्वं मायया आत्मात्मा दार गेहेषु आसक्त चित्तस्य न नान्तुया। कि हे प्रभु, मैं जैसे पहले ही बताया कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का पद कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर संसार में ही भ्रमण करना चाहते हो क्या? तो वृत्रासुर कह रहे हैं अगर मुझे अपने कर्मों के फलस्वरूप इसी संसार में ही पुनः पुनः भ्रमण करना पड़े तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है, एक ही चीज चाहता हूँ बस। अब उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, क्या ममोत्तम श्लोक जलेशु सख्यम
कि आपके जो भक्त हैं उनके साथ में मेरी प्रीति रहे और मुझे इस जगत में कुछ भी नहीं चाहिए। अर्थात साधु संग, जो हम लोग सारे शास्त्रों में साधु संघ की महिमा सुनते हैं, देखो वृत्रासुर युद्ध भूमि जैसे स्थल में जहाँ उनका एक हाथ कट चुका है, सामने इंद्र है इतना बड़ा शत्रु, हाथ में उसके वज्र है, उसके सामने भगवान की कैसी कैसी दिव्य स्तुति करते हुए साधु संघ मांग रहे हैं। और हम लोगों को तो स्वाभाविक सहज रूप में साधु संघ प्राप्त हो गया, किंतु हम उसकी कोई मूल्य नहीं समझते। तन माया आत्मात्मा दार गेसु आसक्त चित्त सिननाथ भूया, आपकी माया के जो आपने बनाए ना पुत्र परिवार पत्नी घर इत्यादि, इनमें मेरा आसक्त कभी चित्त ना हो, इनमें कोई मेरी आसक्ति ना हो, केवल मात्र आपके भक्तों के प्रति ही मेरी आसक्ति रहे। इस प्रकार से श्री वृत्रासुर ने ऐसी ऐसी स्तुतियां की और इंद्र को बार बार उकसा रहे कि अरे इंद्र तुम खड़े क्यों नहीं होते, क्यों डरते हो, जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है, अगर तुम्हारी मृत्यु लिखी होगी तो तुम मरोगे, मेरी मृत्यु लिखी होगी तो मैं मरूंगा। ऐसा वीर देखो कोई देखा, उनको मारने का मौका भी मिला लेकिन इंद्र को मारा नहीं। और तब इंद्र ने वज्र उठाया और जब वज्र उठा लिया फिर जब इंद्र आया तो उन्होंने मुंह खोल दिया और वृत्रासुर ने पूरा पेट में निकल दिया, इंद्र को पूरा खा गया। सारे देवता लोग हाहाकार करने लगे, ये क्या हो गया, इंद्र को राजा है स्वर्ग के, कैसे चलेगा। लेकिन इंद्र को विश्वरूप ने पहले ही नारायण कवच दिया हुआ था, इस नारायण कवच की बड़ी महिमा है, इस कारण से वो पूरा प्रोटेक्टेड थे, सुरक्षित थे, इसलिए पेट में जाकर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। हाथ में वज्र था, वज्र से पेट को चीर करके बाहर आ गया और बाहर आकर के वृत्रासुर का दूसरा हाथ भी काट दिया और दूसरा हाथ करने के बाद में उनके गले पर वज्र चलाया, तो गले पर वज्र चलाया पता है कितने दिन में वृत्रासुर की मृत्यु हुई, वर्णन आता है भागवत में 360 दिन लग गए, एक साल में वृत्रासुर का सिर कटा, इतना तेजस्वी थे वृत्रासुर। जब ये कथा सुनाई और उसके बाद में बताया कि वृत्रासुर की जो आत्मा निकली और वो भगवान के धाम को चले गए, भगवान संकर्षण के यहाँ पर लोग को चले गए।